इंग्लैंड आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ T20। उन्होंने दिखाया कि कैसे सेमीफाइनल एंड फाइनल में खेले जाते हैं। जब मुकाम बड़े होते हैं तो उनके प्लेयर्स भी, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे परफॉर्म करते हैं। बट ये कैसी बैटिंग थी बाबर आजम, ये कैसा पावर प्ले का फायदा उठाया तुमने, तुमने भी इंडिया वाले ही सेम कांड कर दिया। जैसे इंडिया ने पहले 6 ओवर्स में रन नहीं मारे थे, तुमने भी वही करा। तुमने भी कोई पेस दिया ही नहीं अपनी बैटिंग लाइनअप को, अच्छा स्टार्ट दिया ही नहीं, एंड इवेंचुअली 131 पे पूरी की पूरी पारी सिमट गई पाकिस्तान की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एट MCG। सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी फैंस के 1992 में जो हुआ था, एक बारी वो फिर से दोहराएगी पाकिस्तान की टीम, बट नहीं। बेन स्टोक्स, जॉर्ज बटलर, उनके कुछ और प्लान्स थे यार। बट यू नो, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान से सबसे बढ़िया कौन खेला इन दोनों में से, तो छोड़ो यार, सबसे बढ़िया तो बारिश खेल गई। बारिश की प्रिडिक्शन इतनी तगड़ी थी, बट बारिश तो हुई नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई, वो भी बूंदाबांदी हुई थी। बारिश, ये कैसा फॉरकास्ट था, मुझे तो फॉरकास्ट ही समझ नहीं आया। ऊपर से ये पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो भी मेरे को समझ नहीं आई। जो गलतियां इंडियन टीम ने करी थी अगेंस्ट इंग्लैंड, वही सेम आपने करी। कोई आपने पहले 6 ओवर्स का यूज नहीं करा, सिंगल डबल्स आपके बैट्समैनों से लिए नहीं जा रहे। आई नो बॉल फर्स्ट के आ रहा था, बट सिंगल डबल तो चलाओ। आई नो छक्के चौके लगाना इतने बड़े ग्राउंड में अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स आसान नहीं होता है। एंड आदिल रशीद को स्पिन मिल रही थी, ग्रिप मिल रही थी सरफेस से, उन्होंने विकेट्स ली। सैम कुरन, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है इवेंचुअली, उनकी काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट गई है एंड काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। बट क्वेश्चंस विल बी आस्ड फ्रॉम रिजवान एंड बाबर के कैसा उन्होंने आज पहले 6 ओवर का यूज़ करा, क्योंकि अगर आपने KL राहुल एंड रोहित शर्मा को देखा होगा, उनकी भी यही सेम गलती थी जिस वजह से इंडिया का स्कोर बड़ा नहीं बन पाया था। क्योंकि अगर आपके ओपनिंग जो प्लेयर है वो 6 की रन रेट पे खेलेगा, तो आई एम सॉरी मैन, आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को जो पहली बॉल से पीछे पड़ते हैं, आप उनको नहीं हरा सकते। एंड मिडल ऑर्डर में कोई धार नहीं दिखी आज, कोई उनको पता नहीं था कि क्या करना है हमने। मोइन अली, आदिल रशीद, सैम कुरान, किसी को नहीं खेल पा रहे थे पाकिस्तानी बैट्समैन। एंड इवेंचुअली 131, जो कि बिलो पार स्कोर था, बहुत ही पीछे रहेगी पाकिस्तानी बैटिंग। क्वेश्चंस विल बी आज फ्रॉम बैटिंग लाइनअप, जितने भी उनके बैटिंग लाइनअप में बंदे थे सबसे क्वेश्चंस आज करे जाएंगे कि 131 अगर आप बना रहे हो तो आप अपने आप को चांस तो दे ही नहीं रहे कि बॉलिंग में आके कुछ पाकिस्तान कर पाए। बट स्टिल पाकिस्तानी बॉलर जो उनका काम है आके प्रेशर डालना अपोजिशन पे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा। बट यार फिर वही बात आती है कि इंग्लैंड के पास आदिल रशीद तक बैटिंग है, एंड आदिल रशीद लास्ट बंदा है उनकी टीम में। अगर 9 डाउन पे आदिल रशीद आ रहा है, जिसका इतना अच्छे रिकॉर्ड है, इतनी अच्छी सेंचुरीज है उन्होंने बनाई हुई, तो आप किन किन बैट्समैनों को आउट कर लोगे। बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रॉफ ने, बट 131 जब आप बनाओ तो 70% मैच तो आप वैसे ही हार गए हो, क्योंकि आपने रन्स बिलो एवरेज बनाए हैं। एंड क्वालिटी ऑपोजिशन यही होती है, क्वालिटी प्लेयर बेन स्टोक्स जैसा यही होता है। रन्स नहीं बन रहे, ओके, अफोर्डेबल रन्स नहीं बन रहे तो वो अपनी विकेट भी फेंक के नहीं जा रहे। बट दूसरी तरफ पाकिस्तानी बैट्समैन रन नहीं लग रहे, सिंगल डबल कोशिश करो यार, सिंगल डबल भी नहीं, वो हवा में उड़ा रहे हैं बॉले, एंड सारे की सारी फील्डर्स ने कैच करी आज। एंड दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फील्डिंग थी, क्लूलेस, कुछ मोमेंट्स में अच्छी थी उनकी फील्डिंग, बट कैचेस छोड़े हैं उन्होंने। एंड 131 वॉज नाइदर अ गुड स्कोर जिसको डिफेंड कर सकती थी पाकिस्तानी टीम। बहुत अच्छी बॉलिंग करी पाकिस्तान ने, लास्ट दम तक लड़े वो, बट 131 में आप ज़्यादा कसूर नहीं दे सकते अपने आप को, बैट्समैनों का कसूर था। एंड बेन स्टोक्स ने अपना रिडेम्पशन ले लिया है 2016 वर्ल्ड कप का। हमको याद है जब लास्ट ओवर में कार्लोस ब्राथवेट ने फाइनल में वो 4 छक्के मारे थे, एंड आज इंग्लैंड के विनिंग रन उन्होंने ही मारे बेन स्टोक्स ने, तो उनका तो रिडेम्पशन हो गया पूरा 2016 का। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड टीम, किसी ने उनको चांस नहीं दिया था ग्रुप स्टेजेस में, क्योंकि उन्होंने फिर, अगर मैं अपनी ऑनेस्टली ओपिनियन दूँ, तो इतनी बढ़िया क्रिकेट नहीं खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका मैच वॉश आउट हो गया था,
अगेंस्ट न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से वो हारे थे, अफगानिस्तान से भी वो जैसे तैसे जीते थे लो स्कोर बना के, बट एट लास्ट ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे खेले हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आपके ट्रॉफी कैबिनेट में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है तो वो ही मैटर करती है, कैसे मर्जी जीतो आप चाहे, ट्रॉफी मैटर्स एट लास्ट। एंड सैम कुरन मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उस लड़के ने। और अभी इस टीम में जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेस्टो एंड जेसन रॉय जैसे धुरंधर आने हैं टीम में, तो पता नहीं मेरे को क्या हाल होगा इस टीम का जब वो तीनों भी आ जाएंगे इस टीम में। बट एट लास्ट क्रूशल मोमेंट्स में इंग्लैंड वॉज वेरी क्लिनिकल अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड वही मैटर करता है। तो 2019 वर्ल्ड कप के चैंपियंस भी वही हैं 50 ओवर फॉर्मेट के, एंड अब 2022 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस भी वो है, पहली टीम है मेरे ख्याल से ऐसे करने वाली जो दोनों फॉर्मेट्स के वर्ल्ड कप जीत के बैठी हुई है करंट। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ECB जिन्होंने 2015 में वर्ल्ड कप के बाद टीम को नया बनाया, रेनोवेट करा पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, रेनोवेट करा पूरी टीम के प्लेयर्स को, शफल करे कौन से फॉर्मेट में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए इंग्लैंड के, उन्होंने सेलेक्ट करे, एंड आज हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट कितनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती है। आई डोंट थिंक कि इतनी बढ़िया बैटिंग T20 के हिसाब से और कोई भी टीम करती है, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ इंडिया भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करती है पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में एंड डेथ ओवर्स में, बट इंग्लैंड टीम ने दिखाया है कि कैसे होता है, कैसे जीता जाता है वर्ल्ड कप। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन